ही हमारे लिए जरिया निजात है। माँ बाप का एहतराम करें, कदर करें माँ बाप की। अगर इश्क होगा हुजूर का ना, तो फिर कोई बच्चा माँ के मुंह पे तमाचा नहीं मारेगा। अभी कुछ खबरें ऐसी मिली हैं कि बेटों ने माँ बाप को मारा है। ये हालात हो गए हमारे, हम अपने बाप पे हाथ उठा रहे, अपनी माँ पे हाथ उठा रहे। हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात है, उनके आगे नजरें उठाने तक की इजाजत नहीं है। नजरें उठाने तक की इजाजत नहीं। घूमा फिर रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही, मौलाना कोई तावीज दे दो, कोई डोरी दे दो। ओ भाई, तावीज डोरी बाद में ले, जरा दिल पे हाथ रख के बता, घर से आया था तो माँ को सलाम करके आया था? अगर अभी मैं इस प्रोग्राम में हाथ उठवा लूं उन लोगों से कि जो मां से मोहब्बत करते, तो यकीनन एक एक करके सब उठा दे। और अगर ये पूछ लूं कि कितने लोग मां से इजाजत लेके आए हैं, तो शायद गिनती के कुछ हाथ उठ पाए, शायद कह रहा हूं वो भी, वरना वो भी नहीं उठेंगे। हुजूर से इश्क करते हो तो एहतराम वैसे करो ना मेरे हुजूर ने जैसे सिखाया, जैसा प्यार मेरे हुजूर ने सिखाया वैसा प्यार करो। अल्लाह अकबर। वो लोगों, माँ बाप माँ बाप होते हैं, नौजवानों माँ बाप होते हैं। ये कितनी बड़ी दौलत है, कभी ये चले जाएं तब पता चलेगा कि हमने क्या खो दिया है। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरा करती है। मेरे बच्चों, कभी भी माँ बाप को तंग ना किया करो, अपनी ख्वाहिशात के लिए माँ बाप को जलील ना किया करो, उनके आगे अकल के खड़े ना हुआ करो। अगर कामयाबी चाहते हो उनके फरमान पर गर्दन झुका दिया करो, जिसमें बाप राजी उसमें तुम राजी हो जाया करो। फिर देखो खुदा की कसम, अल्लाह जिंदगी में कितनी बहारें देता है। दुकान खोलोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, घर से चलोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, बिजनेस करोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, कोई भी कारोबार करोगे बाप की दुआएं शामिल होंगी। जब ये दुआएं तुम्हारे साथ में हर हाल में रहेगी, तो हिम्मत नहीं मुसीबतें तुम्हारे पास आ जाए, आफतें तुम्हारा दरवाजा देख ले। मैंने सुना है और पढ़ा भी है, जब माँ दुआ के लिए बैठती है तो उसकी अकेली की दुआ अगर उसके मुकाबले में 70 वली बैठ करके एक बंदे के लिए बद्दुआ करने बैठ जाए और एक माँ दुआ करने बैठ जाए, तो 70 वलियों की दुआ कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। एक माँ की दुआ कश्ती को भवन से निकाल के किनारे लगा दे। ओ लोगों, ये हुजूर का प्यार है, ये हुजूर का इश्क है, और ये इश्क ही की हकीकत है कि जो माँ बाप का एहतराम करे, समझ लो वही माँ बाप से प्यार करने वाला हुजूर का आशिक है। वरना तुम नहीं जानते मेरे हुजूर के पास कोई कमी थी, बोले कोई कमी थी हुजूर के पास? कोई कमी हुजूर के पास नहीं। जब अल्लाह ने कायनात के खजानों की चाबी हुजूर के हाथ में रख दी, हुजूर के हाथ में रख दी, महबूब जो चाहे जिसे चाहे दे, इशारा तेरा होगा खजाना मेरा होगा, इतनी पावर देकर सब कुछ दिया, तो फिर कोई कमी? बोले कोई कमी? कोई कमी नहीं। तकलीफ नहीं होगी? जिस हुजूर को दुनिया मान गई, जिस पैगंबर को दुनिया मान गई, उन्हीं की उम्मत अभी इस चीज में लगी है, वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते? हम ये लड़ने रह गए थे? हुजूर की अता पे झगड़ा करना उम्मत का काम था? हम हुजूर के आशिक थे तो हमें तो आंखें बंद करके मान लेना चाहिए था। जब कुरान कहता मा अताकुम रसूल फखुज़ू, ओ लोगों मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, ये इतना आम हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि खजानों की चाबी हुजूर के हाथ में। तो अभी हम इसी पे रह गए कि हुजूर ये नहीं दे सकते, हुजूर वो नहीं दे सकते। वो बता, जिसने लाके खुदा का दीन दे दिया हो वो क्या नहीं दे सकता? और अंदाजा लगाइए, कमोबेश 1,24,000 भी आए, लेकिन सिर्फ दावे थे कि खुदा है, दलील नहीं थी उनके पास, यानी गवाह चश्मदीद गवाह कोई नहीं था उनमें। धावे के साथ दलीलें थी, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि चश्मदीद गवाह कोई नहीं था, लेकिन जब हुजूर को भेजा गया ना, तो सिर्फ दावा देकर के नहीं, बल्कि दावे के साथ चश्मदीद बनाकर के भेजा गया।
सबने कहा हमने नहीं देखा खुदा को, लेकिन हुजूर ने कहा मैंने देखा। और फिर भी दुनिया ये कहे कि हुजूर को ये खबर नहीं वो खबर नहीं। और मुझे बता आला हजरत ने क्या बुरा कह दिया, आला हजरत ने यही बात तो कही है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, और जिस जात से खुदा ना छुपा उससे और क्या छुप सकता है। तो आज उम्मत को ये दिन देखने थे कि हुजूर को ये नहीं आता, हुजूर को वो नहीं आता, उनके इल्म में तंकीस करना, उनकी जात को झुकाना नहीं तो और क्या है। ये इश्क की कौन सी हकीकत है, हमें नबी के इल्म को कम बताएं, नबी की बिनाई को कम बताएं। इश्क ये नहीं, इश्क ये है कि एक आशिक हुजूर के जब उनको तख्तेदार पर चढ़ाया गया तो उनके बदन में नेजे भूके गए, बर्छियां गाड़ी गई, तड़पा तड़पा के मारने का प्लान था। उन्होंने फौरन सदा दी, या रसूल अल्लाह अपने आशिक का हाल देख ले। सहाबी की कहानी है, वो कहते या रसूल अल्लाह अपने आशिक का हाल देख ले। इतनी बात जब कही है ना, अल्लाह हु अकबर, वो कहां थे हुजूर कहां थे। खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उन्होंने आवाज दी, हुजूर अपनी जगह से उठे और सामने वाली पहाड़ी पे आके खड़े हो गए। फिर उनके नेजे लगते रहे, तीर लगते रहे, वो मुस्कुराते रहे। पूछा गया इतने जख्मों पे भी मुस्कुरा रहे देखो, तो उन्होंने कहा था जब सामने जाने जाना हो तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। ये इश्क था उनका, और वो जानते थे, वो जानते थे कि हम हुजूर को आवाज देंगे तो हुजूर सुनेंगे, हुजूर को आवाज देंगे तो हुजूर हमारी सदा को सुनेंगे। वो इस बात को जानते थे। आज हम इस बात में झगड़ा कर रहे हैं खुदा के वास्ते, अब ये झगड़े खत्म करो। हुजूर को जैसा मानने का हक है वैसे मानना, वरना झगड़ा हमारा भी किसी से नहीं। किसी ने जमीन हमारी नहीं हड़पी है, किसी ने जायदाद पर कब्जा नहीं किया है। तकलीफ इस बात की है, उम्मत आज तक इसी में लड़ती रहेगी, हुजूर को क्या खबर है क्या नहीं। अगर खबर ना होती तो हजारों बरस पहले कयामत की निशानियां बता देते, अगर खबर ना होती तो कयामत कब आएगी ये हुजूर बता देते। वो भी तो कहते थे कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो निशानियां बता रहा है वो कयामत कब आएगी ये भी बता रहा है। इसलिए खुदा रहा हुजूर की जात पे झगड़ा ना करो, हुजूर की जात पे झगड़ा ना करो। हुजूर की जात झगड़े के नहीं लिए नहीं, हुजूर की जात इत्तेहाद के लिए, हुजूर की जात इत्तेफाक के लिए है। और लोग कहते हैं यार सब कलमा पढ़ने वाले हो फिर इत्तेफाक क्यों रही है, तो सीधी सी बात है, तुम भी हुजूर को ऐसा मानो जैसा अबू बकर ने माना है, जैसा हुजूर को उमर ने माना है, जैसा हुजूर को उस्मान गनी ने माना है, जैसा उस्मान को मौला अली ने माना है, वैसा मान लो, इख्तलाफ भी खत्म हो जाएगा। तुम भी ऐसा मानो जैसे हुजूर के सहाबा ने माना है, और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो रस्ते में है जाबा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ लोगों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो, समझ रहे मेरी बात। आप मुझसे प्यार भी करें और मेरे अंदर खामियां तलाश करें तो लोग कहेंगे ये तेरा प्यार झूठा है। आप हुजूर से मोहब्बत करें और उनके अंदर कमियां तलाश करें तो फिर हम दावे में कितने सच्चे हैं अपने, हमें खुद गौर करना है। गाली देना मेरा काम नहीं, मेरा काम सीधी बात समझा देना है। हाँ, अगर कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, कोई दोजख में चला गया तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। हाँ, सबको अपनी अपनी कब्र में लेटना है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से सच्चा इश्क करो। वो हमने तो कोई कीमत ही नहीं लगाई हुजूर के इश्क की, लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कीमतें लगाई हैं। अल्लाह हू अकबर, कौन नहीं जानता है हुजूर के इश्क में। हजरत बिलाल की आप जिंदगी देखें, कोई दुख नहीं उठाया हमने। आज हम कह देते हैं, आज सोचते हैं जर्दा खाना ही ये हुजूर का इश्क है, बिरयानी उधेड़ना ये हुजूर का इश्क है, ग्यारहवीं में जाके पलेटे तोड़ना लड़ना ये हुजूर का इश्क है। हमने इसको इश्क का मैयार बना दिया, बेगो पे लड़ गए, कई जगह सर फूट गए ग्यारहवीं में, किस लिए का जर्दा ना मिला।
ये हालात हमारे, खुद ही पकाते हो खुद ही लड़ जाते हो। यही से नहीं, ये तबर्रुक है, इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला, और इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला। हाँ अल्लाह खैर करे, समझाना मकसद है, और थोड़ा सा अकल से काम किया करो। ग्यारहवीं में मस्जिद में लड्डू बटते हैं, किसी को ना मिला ना तो कहते इमाम साहब ने कम मंगाए होंगे। अब बताइए कम क्यों ना पड़ेंगे? अमीर है तो 11 रुपए दे रहा, गरीब है तो भी 11 ही दे रहा, बीच का है तो भी 11 ही दे रहा। बताओ ये 11 रुपए हैं क्या? हैसियत अगर कहो कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए हैं, तो फिर 1100 भी तो 11वीं की निस्बत से होते हैं। अगर हैसियत 1100 देने की है तो 1100 दे, 11000 की हैसियत है 11000 दे। लेकिन करते क्या है, हर घर से 11 रुपए आए, और 11 रुपए में कितने लड्डू मिलते हैं? अल्लाह सलामत रखे, कुछ लोग जानते हैं कितने मिलते हैं, कितने? दो। मान लो अगर एक एक भी बटा तो हमने मस्जिद में दिए 11 रुपए, हमारे घर से गए 6 बच्चे लेने। बताइए अंदाजा है कोई? 11 रुपए के 2 लड्डू मिले, 6 लोग लेने पहुंच गए, तो जो हमने दिया था 2 लड्डू तो हमारे मिल गए, बाकी के 4 कहां से आएंगे? इमाम साहब अपना गल्ला बेचे, महीने की तनख्वाह से लड्डू पूरे करें? गलत कह रहा हूं मैं, ये सही बात कह रहा हूं। तो ख्याल करें 11वीं को 11वीं के तरीके से मनाया करें। हाँ लेकिन जिम्मेदारी इमाम ही है बेचारे के, लड्डू बचा लिए होंगे, पैसे निकाल लिए होंगे, कितने तो इतने अकलमंद हैं, इतने अकलमंद हैं, इधर मस्जिद में पैसे आने शुरू, वो कॉपी लेके बैठ जाते हैं। तुम्हारे गांव में भी अल्लाह सलामत रखे। तो क्यों है, एक कॉपी हमने लिखा इमाम साहब 10 रुपए जेब में नजर काल है। अगर तुम्हें इतना एतमाद नहीं, जो मुसल्ले पे खड़ा है वो 10 रुपए चुराएगा, तुम्हारी नमाज हो जाएगी? एक चोर के पीछे नमाज हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो फिर नमाज छोड़ या फिर कॉपी छोड़, खुद भूल जाएगा 10 रुपए लिखना, और कह देगा यार हिसाब में गड़बड़ी है, या एक के अगर इमाम ने दोबारा ऐलान कर दिया, हमने डबल चढ़ा दिया, तो कहता 20 रुपए ज्यादा हो रहे थे, वो कहां है? तो ये खुराफात करने का काम रह गया हमारा, इस दिन के लिए बचे थे हम। अगर अब भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? इश्क करो हुजूर से, वफा करो हुजूर से, प्यार करो, और हर आलिम का एहतराम ये सोच के किया करो, ये मेरे हुजूर के इल्म का वारिस जा रहा है, इसलिए से किया करो, और हुजूर से इश्क करो। इश्क क्या है कभी समझा ही नहीं हमने, तो जर्दा खा लिया तो हो गए मुसलमान, बिरयानी खा ली तो हो गए मुसलमान। उनसे पूछो जिन्होंने कीमतें चुकाई है इश्क की। अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल को कोई नहीं जानता है, बच्चा बच्चा हजरत बिलाल को जानता है। एक एक बच्चे से पूछो बिलाल कौन है, तो कहेगा हुजूर का आशिक है बिलाल। कौन है हुजूर का दीवाना है बिलाल, इश्क कैसा बिलाल का। अल्लाह अकबर, जब कोड़े मारे जाते थे ना, अहद अहद की सबाई निकला करती थी, आपको तकते तहते वो कोयलों पर लिपाया जाता। आज कहा जाए ना इस कोयले पे खड़ा हो वरना कलमा छोड़ दो, बंदा कहता है कलमा छोड़ने तैयार हूं, कोयले पे न चढ़ाइए। ये उनका इश्क था, उनको नंगी पीट करके कोयले पे लिपाया जाता, फिर उनकी खाल जलती, चर्बी पिघलती और कोयले पे टपकती, वो बुझ जाया करते थे, फिर उनको कोयले से हटाया जाता था। लेकिन फिर भी कहा जाता था बिलाल अब भी मान जा, तो मुस्कुरा के कहते थे जान को दे सकता हूं, दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूं। अल्लाह अकबर, ये इश्क था उनका, और इश्क हो हुजूर से तो फिर बंदा कहीं भी हो तनहा नहीं होता है, अगर जंगल में भी सदा दे दे तो हुजूर का जलवा निगाहों के सामने होता है। यही बिलाल है, उमैया ने हाथ रखे तख्त के नीचे, दोनों पाए रखे हैं हाथ के ऊपर, और उसके ऊपर से बैठ जाता है। जब उंगलियों पर तख्त का वजन आया, उंगलियां फटी, खून बहा, पहले तो चीख निकली लेकिन फिर बिलाल सुकून से लेट जाते हैं। सारी रात सुकून में गुजरी है लेकिन खून हाथ से बहता रहा। सुबह को उठते उमैया ने कहा,
बता तो बिलाल आज की रात कैसे गुजरी है, अब तक कुछ सुधार आया होगा। हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के कहा जितनी सुकून की रात आज की गुजरी है बिलाल की इससे बेहतर रात पहले नहीं गुजरी थी। का ताज्जुब होता है, सारी रात तेरे हाथ से खून बहता रहा फिर भी तू कहता है सुकून की रात गुजरी है, का सुकून की रात कैसे गुजरी। तो बिलाल कहते हैं जब तूने मेरे हाथ के ऊपर तख्त का पाया रखा था दर्द से चीख निकली थी, मैंने महबूब को पुकारा था, कब पुकारने की देर थी हुजूर का जलवा निगाहों के सामने आ गया था, और जब जलवा सामने आया है तो फिर दर्द भूल गया, उनके इश्क की और हुस्न की मिठास ऐसी थी कि चेहरे में खो गया। रात कब गुजरी कैसे गुजरी पता न चला। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं जब आ गई हजरत से रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए रोते हंसा दिए। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। आशिकों ने इश्क की कीमत चुकाई है और लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो हुजूर का ख्वाब में दीदार हो जाए। हैं फ्री में ही देखना चाह रहा हुजूर को, फ्री में ही पूरी जिंदगी मेड़े काटता रहा, अब हुजूर दिखा दो इसे। इतना सस्ता हुजूर का दीदार, पता कब होता दीदार हुजूर का, जब दिल टूटता है इश्क में हुजूर के तब दीदार होता है। अगर चाहते हो ना हुजूर जीते जागते दीदार कराएं तो सबसे पहला काम तो ये कि हुजूर पे दुरूद कसरत से पढ़ा करो, और दूसरी बात कभी हुजूर के लिए दुख उठा के देखो। जब तुम दुख उठाओगे खुदा की कसम आवाज देने की जरूरत नहीं है, हुजूर खुली आंखों से आपको अपना दीदार अदा करेंगे। हाँ लेकिन इश्क तो होना चाहिए हुजूर से। हुजूर के नाम पे कुछ तकलीफें तो हम भी उठाएं, उस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है तकलीफ की जिसे दाढ़ी में भी वजन लगता है। दाढ़ी रखने में वजन है, हम कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और काम क्या करते हैं चेहरे पे दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, जुम्मे के जुम्मे साफ करा रहे हैं, अगर कहीं टीचर बन गया तो रोज रगड़ के जा रहे हैं। ये बाल नहीं आना चाहिए, और जवानों ये बाल उतनी बरकत वाले हैं, अगर इसकी हकीकत पता चल जाए ना तो एक बाल तक तुम नहीं कटाओगे। जितनी बरकत की चीज है दाढ़ी, मैंने तो यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना अगर सुन्नी सही अकीदा कब्र में जाता है दाढ़ी लेकर के, फरिश्ते आते ना हिसाब सवाल करने के लिए, जब फरिश्ता कफन हटाता चेहरे से सुन्नी सही अकीदा है ना तो चेहरे की दाढ़ी देख के ना ढक देता है। दूसरा कहता क्या बात है हिसाब नहीं लेना, तो कहता मुझे हया रही है इसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत मौजूद है। ये इस दाढ़ी की बरकत है, इस दाढ़ी की बरकत। और फरमाया गया अगर दाढ़ी में सफेद बाल बन गए और उस बालों को लेके मर गए तो कब्र में अंधेरा नहीं होगा, उसके सफेद दाढ़ी के बालों से अल्लाह उसकी पूरी कब्र को रोशन फरमा दे। लेकिन सफेद की फजीलत है तो बंदा कोई नील लगाए घूम रहा दाढ़ी में, कोई गेरू लगाए घूम रहा, कोई काली पीली करे घूम रहा, और भाई ये जितनी सफेद होती है उतनी खूबसूरती बढ़ाया करती है। हाँ नहीं लगता ऐसा, ऐसा लगा कुछ तो मेहंदी लगा के भूल ही जाऊं कई साल तक के लिए, तो निरी मैली सी लगने लगती है, ऐसा लगता जैसे इन्हें मुंह ही नहीं धोया। वो अल्लाह के बंदे सफेद थी तो खूबसूरत तो लगती, तो इसे सफेद रखा करो सफेद, नाजायज नहीं है मेहंदी लगाना। कभी ये ना समझे कि मौलवी नाजायज कह के गया, जायज है, लेकिन जो हुस्न सफेदी में है ना वो किसी रंग में नहीं है, किसी रंग में नहीं है। तुम देख लेना दो बुजुर्ग बैठा लेना, एक निरी रंग के लाया है दूसरा सफेद लिए बैठा हो, फिर देखना नूर की बारिश किसके चेहरे पर हो रही है। ये सफेदी अल्लाह की तरफ से बुजुर्गी का ऐलान है, तो चेहरों पे दाढ़ियां सजाएं नौजवानों, फिर इसकी बेपनाह बरकतें हैं, बेपनाह बरकतें हैं। और हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखो, हुजूर के नाम पर, फिर देख खुदा की कसम अल्लाह के करम से हुजूर तुझ पे कितने मेहरबान होते हैं। हम दाढ़ियां ही नहीं रख सकते, जुम्मे के जुम्मे कटवा रहे। अगर कोई बंदा, वो था ना एक शख्स ने कार्टून बनाया था, तो हम मजम्मत करते हैं गलत किया, मिल जाए तो गर्दन काट दें उसकी, ये इश्क है। मगर बात ये है हम कार्टून बनाने वाले पे इतने नाराज, और जो रोज दाढ़ी मुंडा के नाली में फेंकते हैं क्या उन्हें हुजूर की सुन्नत याद नहीं आती?
चेहरे रौनक पा जाते हैं जब चेहरे पर दाढ़ी आती है। तो नौजवानों कोशिश करो, ये मत सोचना लोग कहते शादी नहीं होगी भाई दाढ़ी रख ली तो क्यों, ये जितने दाढ़ी वाले इनमें से कोई ऐसा है जिसकी ना हो रही हो? कभी शादियां दाढ़ी से नहीं रुका करती। फर्क यह है अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी ना तो दाढ़ी की बरकत से तेरे घर में जो आएगी नचनिया नहीं आएगी बल्कि तेरे बिस्तर पे कमीज़े फातिमा ज़हरा चल के आएगी, ये गारंटी। अगर चाहते हो कि तुम अच्छी नस्ल को अच्छी गोद दो तो फिर चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। ये खुद ऐसा एंटिक है कि शैतान औरत तुम्हारे करीब आई नहीं सकती, इसलिए दाढ़ी की बरकत है। तो सजाएंगे इंशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी, कोशिश करें हुजूर की सुन्नत से प्यार करेंगे और चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे और जवानी में मरेगा तो इस शान से मर के जाएंगे। अगर चेहरे से कफन हटा दें फरिश्ते हुजूर देख के मुस्कुरा के कह दें सोने दो, देखते नहीं वो सीने पे मेरी सुन्नत रख के ला रहा। इसलिए जरूरी है, हाँ मुझे कटवाओ, ये हुक्म है, दाढ़ी बढ़ाओ मुझे पस्त कराओ। इतनी बड़ी मूछ मकरूह है जो पीने पी पानी वगैरह पीने में पानी में टच हो, समझ रहे? और ऐसी भी ना कि जो बिल्कुल ही साफ करा दो, यहां मूछ के चक्कर में पता ना क्या बने पड़ रहा है। हाँ मूछ का तस्वीर अलग ले लिया लोगों ने, यहां तक मार गए, ऐसा लग रहा है नकली लगाए घूम रहे हैं। हाँ तो मुझे पस्त कराने का हुक्म मुंडाने का नहीं, यह भी ख्याल रहे। मुंडाने में पस्त कराने में फर्क होता है, मुंडाना यह होता उस तरह से, पस्त कराना छोटी करो जितनी हो सके काट के। तो कोशिश करें हर बंदा चेहरे पर दाढ़ी सजाए। और मैं कई सर देख रहा हूं जिन पर टोपियां नहीं हैं, अल्लाह तौफीक दे तो 1800 की पैंट लेके आओ ना तो 18 रुपए की टोपी जरूर ले आना। अगले प्रोग्राम में कभी हाजिरी हो ना तुम्हारे गांव में नसीब से तो अल्लाह करे सबके सर पे टोपियां होनी चाहिए, बोलो इंशाल्लाह। ओ शर्मा मत जवान, शर्माने की बात होती तो मैं खड़ा करके कहता टोपी कहां, कोई बात नहीं भूल गए, लेकिन आइंदा जलसे में जाते वक्त टोपियों का ख्याल रखें और हर वक्त टोपी ओढ़ा करें। ये शिकायत करते ना कि हमारी माँ बहनें दुपट्टा नहीं ओढ़ती, मैं अक्सर ये बात कहता हूं जब से जवान ने टोपियां छोड़ दी औरतों ने दुपट्टे छोड़ दिए, आप टोपी ओढ़ना शुरू कर दो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देगी। तो लाजिम करो टोपी को, हमारी पहचान है टोपी, हमारी शान है टोपी और हम इसे ही नहीं ओढ़ते तो टोपी को लाजिम करो। मैं अर्ज कर रहा था लोगों ने इश्क की कीमतें चुकाई है, अल्लाह अकबर तारीख में एक नाम आता हजरत जुनैरा का, हुजूर से इश्क किया, अल्लाह अकबर हजरत जुनैरा ने जब इश्क किया ना हुजूर से, हजरत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे जब इन्होंने कलमा पढ़ा था, जब कलमा पढ़ा ना तो हजरत उमर को पता चल गया, बुलाया हजरत जुनैरा के मालिक ने, कहा देखो उमर ये कलमा पढ़ चुकी है। हजरत उमर ने तुर्रे मारना कोड़े मारना शुरू किए, जो आपके पास चीजें थी मारने की उनसे मारना शुरू किया। अगर बात करें कि ये कोड़ा तो सल्तनत में था लेकिन उस वक्त रिवाज था कोड़े मारने का, तो उस वक्त भी कोड़े मौजूद थे, जिस तरह से भी आपसे मारा गया, जब मारते मारते थक गए तब हजरत सुनारा ने कहा था उमर पानी पी लो फिर मारो, हजरत उमर ने पानी पिया फिर मारा, का कलमा छोड़ लेकिन कलमा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया, हजरत सुनारा ने कलमा नहीं छोड़ा। एक दिन आप गुजरते जा रहे हैं गली से, सामने से अबू जहल आ रहा था, जैसे जुनैरा को आते देखा, हजरत जुनैरा को करना क्या था कि अबू जहल आ रहा है, आहिस्ता हो जाना चाहिए था हुजूर का नाम जबान पर, लेकिन जब हुजूर के दुश्मन को आते देखा फिर आहिस्ता नाम नहीं लिया बल्कि जोर से हुजूर का नाम लेना शुरू कर दिया। अबू जहल को जलाल आ गया, करीब आया, कहा तुझे डर नहीं लगता, कहा किस बात का डर कि तू मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम ले रखी है, कहा तू क्या करेगा, कहा जान ले सकता हूँ, तो उसने कहा था हजरत जुनैरा बोली ओ जालिम सिर्फ जान ले सकता है लेकिन दिया हुआ मुस्तफा का इश्क ईमान नहीं ले सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, के आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह हजरत जुनैरा का इश्क है,
अल्लाह अकबर जब कहा कि नहीं मानोगी, कहा नहीं, तो अल्लाह अकबर आपके हाथ बांधे गए और बांधने के बाद सरिये लोहे के पिघलाए गए, गर्म किए गए। उसके बाद हजरत जुनैरा की आंख के करीब किया गया, कहा जुनैरा अब तो सोता होगा, या तो हुजूर का नाम छोड़ दो वरना तेरी आंख जलाई जाएगी, आज के बाद तू इस आंख से नहीं देख पाएगी। हजरत जुनैरा ने कहा आंख की औकात क्या है, हमें तो सांसें भी मिली है तो हुजूर के सदके में मिली है, तुझे जो करना है कर। अल्लाह अकबर तहकती हुई सलाम, वो सरिया गरम आपकी आंख पे लगाया गया, आंख फूटी खून बहने लगा, फिर दूसरा सरिया गरम किया गया, कहा जुनैरा अब तो मान जा, अगर अब भी नहीं मानोगी तो तेरी दूसरी आंख निकाली जाएगी। हजरत जुनैरा ने कहा जो चाहो कर लो, हुजूर का नाम नहीं छोड़ना है। दूसरी आंख को भी गर्म करके सरिया लगाया गया, दोनों आंखें फूट जाती है। हजरत जुनैरा की जबान पर शुक्रा नहीं आया, फिर दुश्मनों ने कहा था जुनैरा अब चलो काम करते हैं, कौन सा काम, का एक काम तो कर जिसके नाम पर तूने अपनी आंखें गवाई है, अभी से आवाज दे, अगर उसमें पावर है तो वो आंखें तेरी रोशनी लौटा दे, अगर हो सके तो वो तेरे बने हुए हाथ खोल दे, बुला उसको, अगर तुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है तो आवाज दे के दे। हजरत सुनहरा ने इतना सुना के चीख निकल जाती है हजरत सुनहरा को, उसी चौक में दुश्मनों ने छोड़ा है, हाथ पर देखे जमीन पर पड़ी है हजरत सुनहरा, आंखों से खून बह रहा है। जब ताना हुजूर के इश्क का दिया गया तब हजरत सुनहरा ने आंसू बहाए और वो के कहती ए मेरे मालिक, मेरी एक आंख गई, मैंने शिकवा नहीं किया, मुझे कोड़ों से मारा गया, मैंने कोई शिकायत नहीं की, मुझ पर जुल्म किए गए, आज तक कोई शिकवा नहीं किया, मैंने दोनों आंखें गवा दी है, आज तक कोई शिकवा नहीं है मेरे मालिक, लेकिन आज बात तेरे महबूब की शान की आ गई है, आज उनकी इज्जत अजमत की आ गई है, ए मालिक मेरे महबूब तक मेरी खबर पहुंचा दे। ये कहते कहते रोने लग जाती है। कुछ देर गुजरी है, हवा का झोंका आया, उस झोंके के अंदर नबूवत की भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है। सुनहरा समझ जाती है ये खुशबू तो मेरे महबूब की है, ये भीनी भीनी खुशबू तो मेरे आका की है। अल्लाह अकबर, जब हुजूर करीब पहुंचे हैं हजरत सुनहरा, हजरत सुनहरा रो रही है, आका फरमाते हैं सुनहरा इस बात पर रो रही हो कि आंखों की रोशनी चली गई है, इसलिए रो रही हो कि अब जमाना नहीं देख पाओगी। कहते नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए नहीं रोई कि दुनिया की बहारें नहीं देखूंगी, बल्कि आज के बाद हुजूर का जलवा कैसे देखूंगी, महबूब का चेहरा कैसे देखूंगी। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद हजरत सुनहरा ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे आंखें गवा दी गई है, लेकिन दर्द इस बात का है कि आपको कैसे देखूंगी। मेरे हुजूर ने अपना लुआब पहन लिया और लेने के बाद हजरत सुनहरा की आंखों पर लगाया, बस लुआब पहन का लगना था। हजरत सुनहरा कहती है जो आंखों के में रोशनी आई है ऐसा लग रहा था जिससे बेहतर रोशनी आज से पहले भी नहीं थी, जैसी अब आई है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है कौन देता है, देने को नीचा किए, देने वाला है सच्चा हमारा आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, ये हुजूर का इश्क। और उसके बाद हजरत जुनैरा ने जब आंखों की रोशनी आ गई फिर आवाज दी, कहां है वो लोग जो मेरे महबूब को चैलेंज कर रहे थे, और कहा सुनो जालिमों, अगर तुम आंखें लेना जानते हो तो मेरा महबूब आंखें देना जानता। हाँ, मैंने कहा था इश्क में जब कोई कीमत दी जाती है ना तब इश्क कामयाब होता है, तब इश्क कामयाब होता है। जवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, यही असल जिंदगी है। मां बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो, और छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी भी एक रोशन जिंदगी बने तो बेटे मोबाइल छोड़ देना, किताबें पकड़ लेना, ये उम्र पढ़ने की है। अगर अब मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे, और अगर अब ऐश करोगे तो पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी है ये 20 साल मेहनत में गुजारने हैं या आगे के 40 साल मेहनत में गुजारने। पढ़ें और आगे बढ़े। अब दौर तोपों का नहीं है, दौर तलवारों का नहीं है। जो ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं यकीनन वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो। अगर आज कोई किसी पर जुल्म करता है इन चीजों के जरिए तो वो खुद आतंकवादी है
और दुनिया जानती है आतंक कौन फैला रहा है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं अब लड़ाई कलम की है। जिसके पास जितनी तालीम होगी वो कौम उतनी ही आगे जाएगी। अगर आपके पास तालीम नहीं तो आप भूल जाइए, आप अपने घर भी बचा पाएंगे, घर भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जरूरी है पढ़े, आगे बढ़े। बच्चों मोबाइल एक तरफ फेंक दो, एक तरफ डाल दो। आज मान को चलाते हो, काबिल बन गए तो मोबाइल नहीं कंप्यूटर तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। इसलिए पढ़ें बच्चे, कोशिश करें तालीम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं। और गांव वालों को एक मशवरा देके जाना चाहता हूं, अरबाबे मिंबर मेरी बात पर जरा तवज्जो करें। जब हर साल गांव के अंदर रिजल्ट आए तो सारे बच्चों पर नजर डाली किसका रिजल्ट कैसा है। जो बच्चा गांव के अंदर सबसे टॉप आया हो, गांव वाले मिलकर उसे अपनी जानिब से इनाम दिया करें, ताकि हमारे बच्चों में पढ़ने का जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो। मदरसों के अंदर जो इनामात हमें दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? इसलिए ताकि हम एक दूसरे से आगे लड़ने की होड़ में काबिल बन जाए। जब हम ये अपने गांव के अंदर लाजिम कर लेंगे, गांव का जो बच्चा टॉप आएगा गांव के अंदर, हम उसे बदले में इनाम में लैपटॉप देंगे, कोई गाड़ी देंगे, फिर देखना इंशाल्लाह एक एक गांव से कई कई आईएएस भी निकलते नजर आएंगे, कई कई एमबीबीएस बनते नजर आएंगे। लेकिन हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यह है, हमने हाई स्कूल पढ़ाया, बहुत पढ़ा लिया लल्ला को, अब दुकान करेगा लल्ला, कितना पढ़ा लिया कि गुणा भाग सब कर ले। ऐसा लग रहा है गुणा भाग जो है ये बस आदमी को इंजीनियर बना दिया। और लिखा कितना कि किसी का भी नाम लिखवा लो, सबके नाम लिख दे, इतने काबिल बने। और फिर कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही मुसलमानों को। जब पढ़े ही इतने हो कि सिर्फ नाम ही लिख पाओ तो नौकरियां देकर खुद को कोई कंपनी को मुसीबत में डालेगा। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाए। कहते लोग मुसलमानों को नौकरी नहीं देते, मुझे बताओ लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था, सारी दुकानें बंद थी, अगर किसी ने आधा शटर खोल लिया तो ऐसा लगता था जैसे सभी ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। किसी ने उस दुकान पर जाते हुए देखा कि किसकी दुकान है, इससे नहीं लेंगे, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे मजहब का नहीं है, मंडल मिल जा चाहे कोई भी दे जा, क्यों तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा कहीं था नहीं। समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा किसी के पास था नहीं, तो मैं कहता हूं हाँ वो तो बेचने वालों ने मजा उड़ाया ना, वो एक अलग चीज है और वो मौजू भी अलग है गुफ्तगू के लिए, लेकिन मैं तालीम को समझाना चाहता हूं, तालीम समझाना चाहता हूं। तो जब नहीं मिल रहा था तो तुमने बिना सोचे, बिना देखे, जात देखे बगैर, बात देखे बगैर, नाम देखे बगैर तुमने मंडल खरीदा, इसलिए कि उसके सिवा कहीं मिल नहीं रहा था। मैं कहता हूं इसी तरह तुम भी किसी मर्ज का इलाज तो बनो। जब उस पोस्ट के लिए तुम्हारे सिवा कोई होगा ही नहीं तो याद रखो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आगा भी नहीं, तुम्हीं को बुलाया जाएगा और तुम्हीं को रखा जाएगा, लेकिन शर्त मेहनत बन के काबिल बन। कामयाब नहीं, कामयाब तो चीटिंग करके भी हो जाता, काबिल वो होता कामयाबी जिसके पीछे भाग पाए। काबिल बनिए और बच्चों को तालीम की तरफ लाइए ताकि बेहतर हो। हमारी ही बस्ती के अंदर एमबीबीएस भी हो, बीएमएस भी हो, हमारी ही बस्ती के अंदर से आईएएस भी हो, आईपीएस भी हो, हमारी बस्ती के अंदर टीचर भी हो और हमारी बस्ती के अंदर पीएचडी भी हो, प्रोफेसर भी हो, फिर देखो इंशाल्लाह जिंदगी का कितना अच्छा और जीने का मजा आता है। साथ साथ जब बच्चे स्कूल जाया करें, आधा घंटा कुरान के लिए देते, कम से कम एक घंटा कुरान के लिए दिया करो, ताकि आपका बच्चा चाहे इंग्लिश मास्टर बने मदरसे में जाकर मुस्तफा का सच्चा आशिक भी बनता नजर। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। ये मैंने सारी जरूरी बातें आपसे रखी है, मैं हंसाने नहीं आया था, चटकुले सुनाने नहीं आया था, बस ये बताने आया था करना क्या है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुस्तफा का इश्क शर्त है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ हुजूर से प्यार करो, अगर हुजूर से प्यार नहीं किया तो फिर जिंदगी में रुसवाइयों के सिवा कुछ भी नहीं। करेंगे इंशाल्लाह बातों पे अमल।
इंशाल्लाह बच्चों दीन के करीब हो जाओ। छोटे बच्चे तालीम पे ध्यान दें, बड़े बूढ़ों से गुजारिश है बच्चों के अकीदे की हिफाजत करें। और इन्हें बताएं अहले सुन्नत वो मसलक है कि जिसके अंदर सिर्फ अदब सिखाया जाता है, किसी की बेअदबी नहीं सिखाई जाती है। अल्लाह का शुक्र हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम सहाबा के भी एहतराम करने वाले हैं, तबईन का भी एहतराम करने वाले हैं, हम अंबियाए मुरसलीन का भी एहतराम करने वाले हैं, औलियाए कामिलीन का भी एहतराम करने वाले हैं। ये हमारा नसीब है। अल्लाह ताला हमें हमारी गुफ्तगू पर पहले अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा बहुत थके भाई, नहीं इतने अच्छे लोग तो माशाल्लाह नसीबों से मिला करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। इसकी परवाह मैं कभी नहीं करता कितने लोग हैं, अगर ऐसे आशिकों का मजमा हो तभी तो बोलने में मजा आता है, और तभी देख रहे पसीना है बोलने में, अच्छे लोग मिले बोले जरा या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं बोलना। मैंने पूरी तकरीर में हाथ उठाया, कोई शिकायत मैंने इसलिए नहीं उठवाया, तुम्हारी मर्जी, बोलोगे तो सवाब तुम्हें मिलेगा, इसलिए तो नहीं उठवाया ना। अब मैं कह रहा हूं जरा बेदारी दिखाए, कहें या रसूल अल्लाह। नहीं कुछ बड़े लोग नहीं बोल रहे, वो ये सोच रहे हमारी शान के खिलाफ है, हम ठहरे बड़े तो ये न सोचे। हुजूर की चौखट में बड़े बड़े ताजदारों के ताज ठोकरों पर पड़े रहते, हाँ, और जब जितना नीचा होकर आता है ना इस चौखट पर उतना ज्यादा लेके जाता है, तो अकड़ के नहीं बैठना, हुजूर का गुलाम बन के बैठना। और गुलाम कभी चुप नहीं रहते, महबूब के नाम पर जुबानों जुबानें खुला करती हैं गुलामों की। जरा छोटे बड़े सब मिलकर कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं यार तुमने इससे ज्यादा इलेक्शन में शोर मचाया था, कैमरे वाले कह रहे थे चुपो चुपो, लेकिन ये चुप ही नहीं रहते। आज हम कहते बोलो, बोली नहीं रहे, जहां बोलना होता वहां चुपते बोलते नहीं, जहां चुपना होता वहां चुप नहीं होती। जरा बोल के दिखा दो, जरा कहीं या रसूल अल्लाह। सलामत रख के माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई। या रसूल अल्लाह जिसने सबसे ज्यादा तेज कहा हो उन्हें आज की रात के सबके अपना मदीना जरूर दिखा दे। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, और जोर से कह दी या रसूल अल्लाह। इलेक्शन में बैठ गई थी, आज तो वो इलेक्शन है जिसका ताल्लुक आखिरत तक है। और जब 5 साल के लिए इतना शोर मचा सकते हैं हम तो फिर हमेशा के लिए कितना मचाएंगे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे, यानी सेनस के बेटे, कनान कनान के बेटे, मलाइक मलाइक के बेटे, ग्यारह ग्यारह के बेटे, इतने तो अच्छे लोग हैं हमारे, सिर्फ गेयर डाल दिया फिर पीछे पड़ गए। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उसमें मेरा फायदा ये कि मैं सांस ले लूंगा, आपका फायदा ये कि आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है तो मेरे फायदे से किसी को तकलीफ तो नहीं है, मैं सांस ले लूंगा मुझे सुकून मिल जाएगा। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे, यानी सोनस के बेटे, कनान कनान के बेटे, मलाइक मलाइक के बेटे, बारह बारह के बेटे, इदरीस इदरीस के बेटे, मुजवश मुजवश के बेटे, लमक लेक नाम लमक लेक नाम के बेटे, नूह नूह के बेटे, साम साम के बेटे, जुलान जुलान के बेटे, शालिक शालिक के बेटे, आबिर आबिर के बेटे, दाता दाता के बेटे, राबा राबा के बेटे, सारू सारू के बेटे, नाखून नाखून के बेटे, तारिक तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, इस्माइल जबीहुल्लाह इस्माइल जबीहुल्लाह के बेटे, केदार केदार के बेटे, राम राम के बेटे, हमल हमल के बेटे, साबित साबित के बेटे, सलमान सलमान के बेटे, ईसा ईसा के बेटे, लिया सलिया के बेटे, ओ नारे तकबीर, नारे रिसालत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जवानों अब वापसी होना तो मुझे खुशी होगी, मुझे पता लगेगा कि कुछ जवानों ने दाढ़ियां रख ली,
और सिर्फ मैं खुश नहीं होऊंगा, हर बंदा चाहता है हुजूर हमसे राजी हो, हर बंदे की ख्वाहिश मुस्तफा राजी हो। और कभी उनका ख्याल आ जाएगा, मैं नहीं कहता जलसे में हाथ उठाओ, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अगर तन्हाई में भी ख्याल आ जाए ना हुजूर की सुन्नत का, तो रुख मदीने की तरफ करना और कहना या रसूलल्लाह आज के बाद आपकी सुन्नत से गद्दारी नहीं की जाएगी। दावे के साथ कह रहा हूं मैं हाथ 100 बार उठाऊं तो कुछ नहीं होगा, ये उठाएं तो क्या बनता है, कुछ नहीं। लेकिन अगर तुमने हुजूर की रजा के लिए दाढ़ी रख ली, कोई हाथ उठाए ना उठाए, गुंबदे खजरा से मुस्तफा हाथ उठा के दुआएं देने लग जाए, खुशी होगी अगर आपके चेहरों पे दाढ़ियां भी लगी, तसल्ली होगी अगर आपके अंदर इल्म का शौक हो, पढ़े जागे आगे बढ़े और ख्याल करें। सुन्नियत का एक बड़ा कमजोर पहलू यह है कि हम नमाजों से बहुत दूर हैं। ये तो सबको शिकवा है कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, ये सबको शिकायत है मस्जिदें छिन रही हैं, लेकिन ख्याल कर ले, ख्याल करें। उसकी वजह यह है हमने सजदे करने छोड़ दिए, सजदे करने छोड़ दिए, तो मस्जिदों को आबाद करें। हर कामयाबी नमाज के बाद, ये बात याद रखना, फसल में बरकत नमाज के बाद, कमाई में बरकत नमाज के बाद, उम्र में बरकत नमाज के बाद, जिंदगी की भलाइयां नमाज के बाद, अगर चाहते हो इज्जत में बरकत नमाज के बाद, कब्र में खैर नमाज के बाद, हश्र में खैर नमाज के बाद। आप मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करवा दे। हाँ तो नौजवान नमाज जरूरी याद तैबा कियाती रही रात भर, 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 याद जिंदगी मुस्कुराती रही रात, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुस्कुराती रही रात भर, क्या बात है। दीवानों कसम खुदा की दिल पे अगर लगे तब कहना सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए जरा जरा जोर से हाथों को उठा कर कहिए या रसूल अल्लाह। जिंदगी मुस्कुराती रही रात भर, याद तैबा कियाती रही रात भर, उनका दर्द देखकर कुछ भी देखा नहीं, उनका दर्द देखकर कुछ भी देखा नहीं, उनका दर्द देखकर कुछ भी देखा नहीं, उनका दर्द कुछ भी देखा नहीं, मुझको जन्नत बुलाती रही रात भर, मुझको जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुझको जन्नत बुलाती रही रात भर, उनका दर्द देखकर कुछ भी देखा नहीं, मुझको जन्नत बुलाती रही रात भर, जमीन में नी
नहीं होती, जमर मेला नहीं होता, जमी मेली नहीं होती, जमर मेला नहीं होता, जमी जमी मेली नहीं होती, जमर मेला नहीं होता, जमी समर मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफर मेला नहीं होता। बना रही तकबीर, जवाब अल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई को, जरा जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। जमीन मेली नहीं होती, जमर मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला, जोर से, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला। माहौल पैदा कीजिए, कारी साहब की तकरीर आपको सुननी है। हाँ, बहुत बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक कारी साहब पहुंचे हैं, बड़ी कई फोन करने के बाद, हाँ, बड़ी कीमती वक्त निकाला है, बेमिसाल इंशाल्लाह तकरीर आपको सुननी है। माहौल पैदा कीजिए, जरा जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जरा हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। जमीन मेली नहीं होती, जमर मेला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमर मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आप तो बस दुआ कर दें, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, और मोहब्बत कम वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मर मेला नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिस
रिसालत। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये जिस मन में समा जाए वो मन मेला, वो मन मेला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, जमर मेला नहीं होता।